खा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। शाही मटन खोरमा के लिए मैं ले रही हूँ 1 किलो गोश्त। अब जो खड़े मसाले हम इसमें डालेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। 1 टीस्पून काली मिर्च, 5 लौंग, 6 इलायची, 3 दालचीनी के छोटे पीसेस, थोड़ी सी जावित्री और 2 बड़ी इलायची के बीज, ये मैंने निकाल के रख लिए हैं। अब मैं इन सभी को ग्राइंड कर लेती हूँ, यानी पीस लेती हूँ। खड़े मसालों का ग्राउंड किया हुआ पाउडर तैयार है। अब मैं इसे गोश्त में डाल देती हूँ। 2 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, इससे कोरमा में बहुत अच्छा लाल रंग आएगा। हल्दी 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 2 टेबलस्पून, नमक 1 टेबलस्पून, नींबू का जूस 2 टेबलस्पून और ये है 3 टेबलस्पून अदरक लहसुन के पेस्ट में मैंने 2 हरी मिर्च और थोड़े से धनिया के पत्तों को डाल के इसे मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है। मैं इसे भी ऐड कर देती हूँ। अब मैं इन सभी को मिक्स कर लेती हूँ। मसाले गोश्त में अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब मैं इसे रेफ्रिजरेटर में 1/2 घंटे के लिए रख देती हूँ ताकि मसाले गोश्त के अंदर अच्छे से एंटर हो जाएं। ये मिलाते वक्त ही इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। अब नेक्स्ट हम खोरमा के दूसरे इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। ये है खसखस, मैंने लिए है 2 टेबलस्पून, 20 काजू, ये है सूखा नारियल का पाउडर, ये मैंने 3 टेबलस्पून लिए हैं, ये है 20 बादाम, इसके छिलके मैंने निकाल लिए हैं। थोड़े से गर्म पानी में 10 मिनट के लिए बादाम को रख दीजिए, छिलका आसानी से निकल जाएगा। और ये है 2 टेबलस्पून चिरौंजी। इन सभी को मैं थोड़े से घी में रोस्ट कर लेती हूँ। एक पैन में मैं थोड़ा सा घी गरम कर लेती हूँ। घी गरम हो चुका है, घी को ज्यादा गरम ना करें। अब मैं धीरे से इसमें बादाम, काजू, चिरौंजी, खसखस ये डाल के फ्लेम को लो रख के इसे थोड़ा सा रोस्ट कर लेती हूँ। ज्यादा ना करें, बस हल्का सा करें, वरना ये जल जाएंगे। अब इसमें नारियल का पाउडर भी ऐड कर देती हूँ। ये अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं, बस 1-2 मिनट के लिए रोस्ट कर लें। अब मैं फ्लेम को बंद कर देती हूँ और इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ये जो नट्स हैं, बादाम, काजू, चिरौंजी, जिन्हें मैंने घी में रोस्ट कर लिया था, ये अब ठंडे हो चुके हैं। और मैंने 3 मीडियम साइज प्याज को काट के इस तरह से डीप फ्राई करके यानी तल के रख लिया है। अब मैं रोस्ट किए हुए सूखे मेवे यानी नट्स और तली हुई प्याज को 200 ग्राम दही के साथ ग्राइंड कर लेती हूँ मिक्सर में। शाही खुरमे का ग्राउंड किया हुआ शाही मसाला अब तैयार है। चलिए अब हम कुकिंग का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। एक पैन में 5 टेबलस्पून घी गरम कर लेते हैं। घी गरम हो चुका है, अब मैं इसमें मैरिनेट किए हुए मटन के पीसेस को ऐड कर देती हूँ। मटन के पीसेस ऐड करने के बाद हाई फ्लेम पे इसे हम अच्छे से भून लेते हैं। ऐसे ही 5 से 10 मिनट तक भूनिए। अगर आपको लगे कि मसाले नीचे से पकड़ रहे हैं तो आप फ्लेम को लो कर दीजिए। फिर थोड़ी देर के बाद फिर हाई फ्लेम पे इसे ऐसे ही भूनते रहिए। गोश्त अच्छे से भूनने के बाद मैंने इस कप से 1/2 कप पानी इसमें डाल दिया था। अब देखिए ये अच्छे से पक रहा है। अब मैं गोश्त को प्रेशर कुकर में डाल के गला लेती हूँ। आप चाहे तो ये जो शाही मटन खोरमा है ये डायरेक्टली प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा है, मैं इस पैन में इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको मेरा वीडियो क्लियर से नजर आए। गोश्त गल चुका है, मैंने इसे प्रेशर कुकर में डाल के गला लिया था। अब मैं इसमें ये पिसे हुए मसाले ऐड कर देती हूँ। पिसे हुए मसाले ऐड करने के बाद मैं इसमें 50 ग्राम फीका खोआ भी ऐड कर देती हूँ। इन्हें डालने के बाद मैं इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। इसे अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद हाई फ्लेम पे मैं इसे थोड़ी देर पका लेती हूँ।
एक दो मिनट इसे हाई फ्लेम पे भून लेने के बाद मैं इसमें एक आधा कप पानी ऐड कर देती हूँ। पानी डालने के बाद जब ये पकना स्टार्ट होगा मैं फ्लेम को लो कर देती हूँ और इस पे लिड बंद कर देती हूँ। लिड बंद करके हम इसे लो फ्लेम पे एक 10 मिनट के लिए पकने देते हैं। पानी डालने के बाद आप इसमें नमक चेक कर लें, अगर आपको लगे कि नमक कम है तो इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर लें। मैं इसमें आधा टीस्पून ऐड कर रही हूँ। 15 मिनट हो चुके हैं, अब मैं लिड ओपन करके देख लेती हूँ। इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता भी ऐड कर देते हैं। देखिए शानदार शाही मटन खुरमा अब तैयार है। इसपे तेल भी कैसा इधर साइड में नजर आ गया है, देखिए बहुत ही टेस्टी लग रहा है। अब मैं फ्लेम को बंद कर देती हूँ। शाही मटन खुरमा अब सर्व करने के लिए तैयार है। आप इसे बादाम या काजू के बारीक पीसों से इस तरह से गार्निश कर लें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।